तो क्लास, अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। तो क्या आप रेडी हैं एक चैलेंज के लिए? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, द फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ऑप्शन बी, द फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द सेल। ऑप्शन सी, द फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसके लिए हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर अच्छे से कॉपी में लिख लें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो फर्स्ट फेज है एब्जॉर्प्शन का, उसमें होता है एक रैपिड अपटेक आयंस का। कहाँ पर? वो रैपिड अपटेक होता है फ्री स्पेस या आउटर स्पेस ऑफ सेल्स में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।